हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे कि D4 की कैली टेबल हम 2 मिनट में कैसे बनाएं। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। बेसिकली D4 एक सेट है जिसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं दैट आर सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर। मतलब हम किसी पेपर में से एक स्क्वायर कट कर ले तो हम कितने अलग पोजीशंस पर उसको रख सकते हैं वो हम उस सेट में रखते हैं। तो पहला होता है R0 कि जिस पोजीशन पे वो स्क्वायर पहले था उसी पे रख दे। दूसरा R90, अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करें तो ये 90 डिग्री बनाएगा तो ये घूम के A नीचे आ जाएगा, तो R90 में A नीचे आ जाता है। फिर D उसके दूसरे साइड चला जाता है, सिमिलरली C एंड B। R180 में हम R90 को 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो जो ऊपर बी है वो नीचे आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं बी नीचे आ गया है। एंड हॉरिजॉन्टल, दैट इज़ मतलब हम हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दें। ऊपर ए बी था, हॉरिजॉन्टल में ए बी नीचे आ जाएगा और डी सी नीचे था, डी सी ऊपर चला जाएगा। एंड नेक्स्ट वर्टिकल, वर्टिकल मतलब हम वर्टिकली फ्लिप कर दें। लाइक बीच में एक लाइन है तो ए डी दूसरे साइड चला जाएगा और बी सी इधर साइड आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ डायगनल, कि मेन डायगनल की साइड सेम रहेंगी। जैसे ए सी सेम रहेगा, ए सी ये हम चेंज कर देंगे, डी नीचे था डी ऊपर चला जाएगा और बी ऊपर था बी नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ डी डैश, डी डैश में हम दूसरा वाला डायगनल सेम रखेंगे। दूसरा वाला डायगनल आप देख सकते हैं बी और डी, बी और डी अपनी ही जगह पर है और सी उसमें नीचे था, इसमें सी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। अब बेसिकली कैली टेबल में हम ऑपरेट करते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं HR90। तो उसमें क्या करना होता है, HR90 डी आया है, लेकिन डी कैसे आया, R90 पे हम H ऑपरेट करेंगे। जैसे कि ये R90 है, अब इसमें हम H यानी हॉरिजॉन्टली इसको फ्लिप करेंगे तो BC नीचे आ जाएगा और AD ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये हमारा फिर ये बन गया BC नीचे और AD ऊपर। तो इसको अगर आप मैच करें तो ये डायगनल है, D है, क्योंकि D हम मतलब R0 के रेस्पेक्ट में देखेंगे कि जो हमारा आया है ये ADCB ये क्या आया है। तो अगर आप R0 को डायगनली वाले तरीके से देखें तो AC अपनी जगह पर है और D नीचे से ऊपर चला गया है और B नीचे आ गया है, तो ये डायगनली है। तो ऐसे हमारे पास कितने सारे एलिमेंट्स हैं, हम पहले मतलब R90 को सबसे ऑपरेट करेंगे, फिर R180 को सबसे ऑपरेट करेंगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एग्ज़ाम में हमें ये डायरेक्ट लिखना होता है, तो उसकी ट्रिक ये है कि R0 वाला तो ईजी है, R0 मतलब रोटेट ही नहीं किया तो वो तो सेम रहेगा, R0 मतलब उसको रोटेट ही नहीं करेंगे तो वो तो सेम रहेगा R0 R90 R180 D डैश तक। इधर दूसरी साइड भी उसको रोटेट ही नहीं किया तो वो ये वाली लाइन सेम रहेगी R0 R90 D डैश तक। अब ये वाले जो हैं ये कैसे आए, इनको हम प्लस कर देंगे 90 90 180 90 180 270, और 270 और 90 को प्लस करेंगे तो 360 आएगा। 360 वो जीरो के इक्वल हो जाता है, तो R0, फिर 180 90 270 180 180 360 तो वो जीरो के इक्वल। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं R270 के बाद 360 आता, लेकिन हमने उसको नहीं लिखा है क्योंकि वो जीरो के इक्वल है। फिर 180 और 270 हम प्लस करेंगे तो जब 90 प्लस करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, फिर 190 बचा तो वो R90। उसके बाद R270 और 90 360 जीरो के इक्वल। 270 और 180 जब हम प्लस करेंगे तो 190 प्लस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, दूसरा 90 बचा R90। उसके बाद 270 270, इसमें 270 में 190 प्लस किया तो जीरो हो गया, फिर 180 बचा तो R180। अब ये आता है मेन, इसको कैसे याद रखना है, ये HVDD डैश है तो पहले हम नीचे वालों को सेम रखेंगे, DD डैश को हमने DD डैश सेम लिख दिया और इनको इंटरचेंज कर देंगे, HV का VH हो जाएगा। फिर से इसको सेम रखेंगे, VH का VH, और इसको इंटरचेंज कर देंगे, DD डैश था DD डी हो गया। फिर इसको सेम रखेंगे, DD का DD रहेगा और इसको इंटरचेंज कर देंगे, VH का HV हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट के लिए ये हम ऐसे देखेंगे HVDD डैश,
तो वहाँ पे हमने सेम से शुरू किया था, यहाँ पे हम इंटरचेंज से शुरू करेंगे। डी डी डैश है, इसका डी डैश डी हो जाएगा और एच वी का एच वी रहेगा। एच वी को इंटरचेंज करके वी एच लिख देंगे और डी डैश डी सेम रहेगा। फिर डी डैश डी को इंटरचेंज करके डी डी डैश लिख देंगे और वी एच सेम रहेगा। अब इसके लिए R0, R180, R270, R90, इसको थोड़ा ऐसे याद रखना है। R0 सबसे ऊपर, 0 के बाद 90 आता है, वो सबसे नीचे हमने बाउंड्री बना ली। फिर 180, 270, उसके बाद इसमें आपस में इंटरचेंज करना है। 0 180 को 180 0 और 270 90 को 90 270। उसके बाद फिर हम पुराना वाला अपनाएंगे, ये 90 270 है, इसको सेम रखेंगे 90 270 ऊपर। फिर इसको इंटरचेंज कर देंगे 180 0 का 0 180, फिर से वही आपस में इंटरचेंज करना है 90 270 का 270 90 और 0 180 का 180 0।